नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपके नेता जेल की यात्रा से आए हैं तो सीएम योगी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कही ये बातें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल की यात्रा से आए हैं तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, यह जेल का साइड इफेक्ट है। रक्षा मंत्री और लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह के समर्थन में हुई गुरुवार को जनसभा में केजरीवाल का नाम लिए बगैर योगी ने कहा कि उन्हें हमारे भविष्य की चिंता छोड़कर आम आदमी पार्टी के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। नए भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बार भाजपा सरकार 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए के उपचार की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। सपा कांग्रेस समस्याओं के बैरियर हैं। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस समस्याओं के बैरियर हैं, जबकि भाजपा समाधान। कांग्रेस सपा व आप नेताओं को जनता सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजनाथ सिंह बोले, केजरीवाल को फिर जेल जाना है। फिर भी राजनाथ सिंह ने भी आप नेताओं पर हमला बोला और कहा कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए हैं, उन्हें फिर जेल जाना है। फिर भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, मोदी 2024 में ही नहीं 2029 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।